कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं ये देखो सुबह के 8:15 और मैंने ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा आज का वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में, आपको दिखाती हूँ। हस्बैंड जी उठ चुके हैं और हस्बैंड जी तो भी नहा धो रहे हैं। देखो मेरे अक्षु को, अक्षु गिर जाएगा, ये देखो इसको, अक्षु गिर जाओगे बेटा। देखो ये सारिका की ना नोटबुक ले करके आ गई है, ये ना मतलब भरी हुई है, इससे खेल रही है। फाड़ देगी तो कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं किचन में। तो किचन में ये देखिए मेरा, देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, सब्ज़ी बन चुकी है मेरी बीन्स की, जो रात को मैंने कट की थी। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था, रात को मैंने कट करके रखी थी। और ये देखो मेरा आटा, यहाँ पे आटा मैंने छान के रखा हुआ, आटा नहीं होता अभी। और सारिका चली गई स्कूल, तो सुबह ना मैंने सारिका को आज बना के दिया था बेसन का चीला। उसे जो है वो कह रही थी बेसन का चीला खाना है, तो उसको बेसन का चीला बना के दे दिया था। और अभी अपने लिए भी बनाना है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। और आज का ब्लॉग बस देखते हैं क्या खास होने वाला है, आपको दिखाऊंगी। तो आज का ना वीडियो मैंने ना सुबह मतलब काम करते हुए स्टार्ट नहीं किया था और अभी स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा चलो ऐसे स्टार्ट कर लेती हूँ। तो उस टाइम पर जब मैं काम कर रही थी तो वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा ऐसे बना लूँगी आज। तो चलिए मैं अभी ना आटा लगा लेती हूँ और आप लोग ना एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। और देखो अक्षु हमारी देख रही है छोटी छोटी गैया, ये देखो मेरे पीछे पीछे जाती रहती है। देखो अभी कहाँ लगी हुई है, देखो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करती जाती है। गिर जाएगा बेटा ये चीकू, गिर जाएगा चीकू। तो आज ना फटाफट से मेरा काम हो गया है, बस रोटी बना लेती हूँ। और आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी फ्रेंड्स नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सिर्फ ना आटा लगाना है मुझे, सब्जी वगैरह सब बन गई है। सुबह ना सारिका को जब पराठा देना पड़ता तो आटा सुबह लगा लेती हूँ, लेकिन आज उसे चीला बना के दिए थे इस वजह से आटा अब लगाया मैंने। तो बस, और मैंने नहा भी लिया था सुबह फटाफट से ना सारिका को भेजने के बाद, सब्जी छौंक दी थी और नहा के आ गई थी। बस रोटी बनानी है मेरी बाकी है, और बाकी फिर घर की वही साफ़ सफाई। सभी खाना वाना सब बन गया है और हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, आए आए आए। बाहर ना मौसम ना ठंडा हो गया है, सुबह ना ठंडा लगता है बाहर। रेडी हो गए हैं और ना बाहर अच्छा लगता है सुबह एकदम ठंडा सा मौसम। मौसम चेंज हो गया ना सुबह शाम थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे ये हेलमेट पहन रहे हैं। शो को देखो हमारी गोद में। अभी हस्बैंड जी चले गए हैं और अभी बज गए हैं 9। तो खाना पीना तो सब बन गया, लेकिन ना मुझे अभी चाय पीनी है। मैंने चाय नहीं पी है, अभी चाय पीऊँगी पहले। लेकिन अक्षु को देखो हमारी, अक्षु को ही भूख लगी, मखाने खा रही। देखो मखाने खा रही अक्षु, टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर। देखो अक्षु मेरे मखाने खाती है और अभी इसे थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाऊँगी, क्योंकि ना इसने उस टाइम में पिला रही थी, थोड़ा सा पिया, रो रही थी, पी नहीं रही थी। वैसे भी बहुत नखरे दिखा के पीती है, तो अभी मैं पिलाऊंगी इसको। और अगर अभी तो नहीं सोएगी, क्योंकि अभी आज थोड़ा सा लेट से उठी थी। अगर सोएगी तो सुला दूंगी, नहीं सोएगी तो फिर मैं चाय वाय पीऊँगी और उसके बाद फिर घर के जो साफ़ सफाई के काम शुरू करूँगी। चलो चलते हैं अपना अक्षु के लिए दूध लेने के लिए। तो बॉटल में ना उसके रखा हुआ है, तो मैं इसे पिला देती हूँ। चलो चलो, अक्षु टीवी देख रही है अभी। तो फ्रेंड्स, मैंने चाय वगैरह पी ली है और अक्षु मेरी सो गई है। अभी अंदर कूलर चल रहा है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो अभी ना ये कढ़ाई वगैरह मैं खाली कर लेती हूँ, बर्तन है थोड़े बहुत वो धो लेती हूँ। इस टोकरी में बर्तन है सारे ऐसे रखे हैं, सब लगा दूँगी इसे, किचन मतलब क्लीन कर लेती हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ, अक्षु सो रही है, फटाफट से मैं अपना काम जो है निपटा लेती हूँ।
सारा सामान वगैरह तो मैंने यहाँ पे सारा समेट दिया, और अभी ना मैं आपको दिखा रही थी, मेरी ना सुबह चाय निकल गई थी और बस वो ना फिर मैंने ऐसे ही वो ना मैं हटाया नहीं और ऐसे जल सा गया था वो, वही मैं दिखा रही थी आपको। तो ये मेरे को ना वो धोना पड़ेगा, तो बस अभी गैस वगैरह साफ़ करनी बाकी थी तो फटाफट से गैस साफ़ कर ली। और उसके बाद ना ये देखो आज ना आखिरकार मैंने अपनी झाड़ू ना मंगा ही ली है। कितने दिन से ना रोज़ भूल जाती, रोज़ भूल जाती उनको याद दिलाना, और सुबह बोलती हूँ तो वो भूल जाते हैं, उनको शाम को रखना भूल जाते हैं। तो बस आज मैंने ना शाम को मुझे याद आ गया था, मैंने उनको ना फ़ोन करके याद दिलाया कि झाड़ू ले आना मेरा, क्योंकि ना झाड़ू ना वो बहुत ज़्यादा छोटा सा हो गया, झाड़ू लगाया नहीं बनता मेरे से। तो बस यहाँ पे जो मैंने ना झाड़ू में से वो बहुत सारा गंद सा निकलता है ना वो सब झाड़ दिया है, और फिर ना इस रूम में झाड़ू भी लगा दिया मैंने फटाफट से। ये देखो यहाँ पे कितना सारा गंद निकला, ये देखो। और उसके बाद आ गई थी मैं अपने किचन में, किचन से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है अपने, तो बार बार ना किचन में आ जाती हूँ घूम फिर के। तो बस मेरे को ना अभी अक्षु के लिए बनाना था दलिया, तो वही दलिया मैंने छौंक दिया है। और अभी देखो यहाँ पे बर्तन पड़े हुए मेरे धोने के लिए, तो आज ना मैंने नॉनस्टिक वाला मेरा तवा ना इस पर चीला बनाया था, उसी पर मैंने ना रोटी भी बना ली थी। वैसे ना इस पर रोटी मैं नहीं बनाती, मैं जो लोहे वाला है ना तवा उस पर बनाती रोटी, इस पे बहुत कम बनाती, तो आज मैंने ना इसी पे बना ली थी, तो ठीक बनी थी रोटी, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से बनी थी। पर हस्बैंड जी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती, लोहे के तवे की रोटी पसंद आती है उनको। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन सब धो दिए, और उसके बाद मेरा फेवरेट जो है पोछा लगाना, वो पोछा मैं लगा दे रही हूँ, तो आपको दिखता ही होगा हर एक वीडियो में पोछा लगाते हुए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो बस यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ, और ये अंदर बेडरूम का ना मेरा रह गया है, तो फटाफट से पहले यहाँ कर लेती हूँ, और उसके बाद जब मेरी अक्षु उठ जाएगी तो बेडरूम का करूँगी जाके। तो बस पोछा लगा दिया था मैंने, तो अभी ना मेरी अक्षु जो है आराम से सो रही है, तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेती हूँ मैं अपनी थ्रेडिंग। मैंने दो तीन दिन से रोज़ सोच रही हूँ थ्रेडिंग बनाने के लिए, और जब भी शीशे के सामने आती हूँ ना मुझे याद आ जाता है और फिर मैं भूल जाती हूँ, तो अभी बस मैं थ्रेडिंग बनाने लग गई। फ्रेंड्स किचन का सारा काम हो गया, देखो मैं थ्रेडिंग भी बना ली, देखो बन गई ना थ्रेडिंग भी बना ली, ज़्यादा हो गया। और अभी मेरी अक्षु सो के उठी है देखो, और बस यहाँ पे मेरे को ना इस वाले रूम का करना बाकी है अभी। ये देखो बेड, पहले ना जल्दी से मैं बेड ठीक कर देती हूँ, और इसमें झाड़ू वाड़ू लगा के बस सेट कर देती हूँ, फिर मेरी सारी कार आएगी, मतलब नहीं अभी नहीं आएगी, अभी तो टाइम बाकी है। इसको भी नहलाना धुलाना भी बाकी है, इसको नहलाऊँगी धुलाऊँगी, जल्दी जल्दी से सारा कर लेती हूँ। आशु नो 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 जी, क्या मिट्टी मिट्टी कहाँ से थी आता। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है दोपहर का टाइम, सारिका स्कूल से आ चुकी है आज ना, मैंने उस टाइम का वीडियो नहीं बनाया, तो बस उसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और अभी बस मैं आगे थी खाना डालने के, क्योंकि ना बहुत ज़ोरों से सच में भूख लगी थी। ये देखिए हमारी थाली आज की रेडी है, ये हमारा लंच है आज का, तो आप लोग भी खा लीजिए फिर हम लोग जो खा लेंगे। तो बस लंच कर लिया था, उसके बाद मैंने सारिका को पढ़ाया, अक्षु को सुला दिया था उसके बाद, क्योंकि वैसे तो वो पढ़ाने देती नहीं है मेरे को, तो उसके बाद मैंने उसको सुला दिया था। अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो अभी मैं आ गई थी किचन में फिर से अपने फेवरेट जगह में और चाय बनाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, आपको तो पता ही है मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, और उसके बिना मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स अभी मेरी बन रही है चाय, और आज भी सारी का ट्यूशन नहीं गई, मैंने उसको दिन में पढ़ाया वढ़ाया फिर, और उसके अंदर मैंने उस टाइम वीडियो भी कोई बनाया नहीं, अभी शाम का टाइम है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बन रही है, और मैं सोचूँ अब शाम को मैं क्या बनाऊँ, इसकी मैम ना शायद बाहर गई है मेरे ख्याल से, इस वजह से ना कल फ़ोन आया था कह रही मैं आई नहीं हूँ, आज कह रही आज भी नहीं आई हूँ, पता नहीं अब देखो फ़ोन आ जाएगा जब जाना होगा तो। और फिर मैंने आज फिर घर में पढ़ा दिया फिर से ऐसे, अब बस मैं यही सोचू शाम को क्या बनाऊँ, मेरी बीन्स की सब्जी भी रखी हुई है थोड़ी सी, और सोचू बस क्या बनाऊँ, मैं सोचू थोड़ी सी दाल ही बना लेती हूँ। क्या हो गया, ये आ गई मखाने खा रही है,
अक्षु भी मेरे मखाने खा रही है। नहीं बस मैं ये सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, रोज ना यही टेंशन रहता है। और पता है दिन में चावल नहीं खाए तो अब चावल खाने हमारी आदत है, चावल एक टाइम तो जरूर खाने होते हैं, तो क्योंकि सब्जी चावल खाए नहीं जाते हैं इस वजह से। अब देखती हूँ, मैं सोचू दाल ही बना लेती हूँ क्योंकि सूखी सब्जी एक रखी है, दाल बना लेती हूँ। तो आज ना मेरे यहाँ बनी है 2 कप चाय। सारिका भी जिद कर रही थी मेरे को भी चाय पीनी है। वैसे ना कभी कभी जिद करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, चाय देती हूँ उसमें ना थोड़ा दूध डाल देती हूँ उसके लिए, लेकिन आज उसने स्पेशल बोला है कि मुझे ना आपके जैसे चाय पीनी है, तो बस उसे चाय दे दी थी। तो अभी हो गया था रात का टाइम, मतलब 7:30 बज गए थे, सोने का टाइम होने वाला, वैसे खाने में देर लगाती है। तो सारिका के लिए बना दी मैंने आलू का पराठा, तो आलू का पराठा खा लेगी। बीन्स में से आलू निकाल के बना दिए थे, और यहाँ पर मैंने ना आज अरहर की दाल बॉयल कर ली थी, बस दाल में तड़का लगा दिया है, और ये हो गया हमारा रात का डिनर रेडी। हस्बैंड जी आ गए थे तो बस डिनर लगा लिया था हम लोगों ने, तो आप लोग भी कर लीजिए। इसके बाद आज की वीडियो करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।